कल रात को जो टेस्ट लगाए गए थे उनकी सुबह जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें 22 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके बाद अब जो कुल संख्या है हमारी वो 328 तक पहुंच गई है और मृतक एक सूचना प्राप्त हुई है जो कि अरविंदो से सूचना प्राप्त हुई थी। 42 वर्षीय एक व्यक्ति हैं और इनकी मृत्यु के बाद मृत्यु का आंकड़ा 33 तक पहुँच गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग 35 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है जिनमें से कल 7 लोग थे जिन्हें MRTP से डिस्चार्ज किया गया है। 5 उनमें से इंदौर के भी लोग थे। अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि हम लोग सघन सर्वेक्षण कार्य करा रहे हैं उन प्रत्येक कैंटोनमेंट एरिया में और कल तक की रिपोर्ट में 16,000 से अधिक हम लोग सर्वे करा चुके थे और इनमें से हमारी जो टीम है आशा आंगनवाड़ी और ये टीचर्स की इनके द्वारा लगभग 250 के करीब मरीज खोजे गए थे जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम या बुखार था और परंतु हमारे डॉक्टरों ने जब देखा तो 27 लोग उसमें से ऐसे पाए गए थे जिनमें सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण थे और उन्हें दवा उसी स्थान पर दे दी गई थी। प्रशासन पूरी तरह से अभी इसी दिशा में लगा हुआ है। लोगों को लॉकडाउन की जो स्थिति है उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए। जहाँ तक अस्पतालों का सवाल है तो अभी चूंकि हमने 1142 सैंपल्स दिल्ली भेजे हैं और संभावना है कि उनमें से कुछ ज़्यादा लोगों के पॉजिटिव आ सकते हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले हमारे जो पहले पॉजिटिव आए थे उन्हीं के संबंधी लोग हैं ये और ऐसी स्थिति में कुछ अस्पताल के बेड्स बढ़ाए गए हैं। इनमें से एक बीमा अस्पताल भी है जो 300 बेड का बीमा अस्पताल को हम लोगों ने अधिकृत किया है जहाँ पर रेड जोन बनाया जाएगा। चौथराम अस्पताल को येलो और रेड जोन दोनों में लिया जा रहा है। एमटीएच में स्थित जो ऑब्स्टेट्रिक विंग है मेडिकल कॉलेज की वहाँ पर भी लगभग 400 बेड का एक रेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। तो प्रशासन ने तैयारी पूरी कर रखी है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे पुराने क्वारंटाइन हाउस में लोग रह रहे हैं उनके भी 14 से 15 दिन होने वाले हैं, उनको भी डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।